तो भाई लोग, वापस से मैं आ गया हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हैं DSLR की तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो दोस्तों, इसके लिए जो है बहुत सिंपल सा ट्रिक है और आपको बहुत ही शॉर्टकट में जो है मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो के बाद जो है आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एडिटिंग के। दोस्तों, आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके किस तरह से हम मतलब बहुत सारा चीज़ दिखाया गया है, मगर मैं जो है इस वीडियो में आपको एक शॉर्टकट तरीका जो है आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे जो है बैकग्राउंड ब्लर के साथ जो है आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, जिस तरह की मैं अभी शूट कर रहा हूँ। और ये लाइव वीडियो है जिस पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो ब्लर है और किसी तरह का मतलब आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मैं जो है अपने फ़ोन पे ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं पूरा प्रोसेस जो है, पूरा स्टेप जो है आपको इस वीडियो में आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में लेके समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल जो है आप मेरे जो सैमसंग का J7 फ़ोन है, मेरा पुराना फ़ोन, उस पर अभी देख रहे हैं। और फ़िलहाल जो है आपको अब बैकग्राउंड में कोई भी ब्लर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और मैं जो अपना जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो है मेरे पास ओप्पो F11 प्रो, जो अभी हाल फिलहाल मैंने 2-3 महीने नीचे मैंने लिया था, तो उसी से जो है मैं अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको जो पूरा स्टेप जो है वो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में क्या क्या करना है सारा डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि मैंने अपना जो फ़ोन है अपने जुगाड़ वाले स्टैंड पे जो है लगा दिया है। तो ये मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है। मेरे पुराने वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने अपना जो है जुगाड़ बनाया हुआ है। और फ़िलहाल ये जो है मेरा ओप्पो F11 प्रो फ़ोन है। और इस पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो नॉर्मली हर यूट्यूबर जो है इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो फ़िलहाल जो है मैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा जो है ऑन है, मतलब आ गया है, अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अब जो है हम हमारे कैमरा को ऑन करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ये हमारा बैक कैमरा है, हम जो है इसको यहाँ फ्लिप करके अपना फ्रंट कैमरा जो है ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं अपने फ्रंट कैमरे पे हूँ। और यहाँ से जो है हमको क्या करना है, हमको पोर्ट्रेट जो है इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो बहुत सारे नए फ़ोन जो अभी रिसेंट लॉन्च होते हैं तो उसमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन देता है, चाहे बैक हो या फ्रंट हो, ठीक है। मगर आप वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में जो है कोई पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कोई पोर्ट्रेट ऑप्शन नहीं है, मगर फ़ोटो में जो है आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर पुराने फ़ोन यूज़र हैं, पुराना फ़ोन है आपका और पोर्ट्रेट ऑप्शन आपका कैमरे पे नहीं है, तो बहुत सारे पोर्ट्रेट का जो ऑप्शन वाला कैमरा आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो उसको जो है आपको इंस्टॉल करके ट्राई कर लेना है। तो फ़िलहाल अपने पास जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। फ़िलहाल जो है आपका अगर पोर्ट्रेट सपोर्ट कर रहा है तो ये देख लीजिए। तो फ़िलहाल जो है मैं अपना कैमरा, ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने सेट कर रखा है। और अभी पोर्ट्रेट में अगर देखेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जो है ब्लर हो गया है। अब जो है अपना माइक वगैरह सब कनेक्ट कर लीजिए, A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है, सॉरी इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो उस स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है आप सेट कर लीजिए, उसका माइक वगैरह सब जो भी सेटिंग रहता है आप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, तो मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑन कर लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है मेरा कैमरा सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में है और मैं अपना जो भी वीडियो है वो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट मोड में रहने की वजह से जो है मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर आ रहा है, मगर फ़िलहाल क्योंकि मैं ज़्यादा हिल रहा हूँ इस वजह से मेरा फेस में जो है, यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ आपको एक, आप देख लीजिए इस तरह का,
ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप नॉर्मली जो है एक बार सेट होने के बाद में आप अपने वीडियो को जो है इस तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए, जिस तरह से मैंने जो है आपको बताया इस तरह से रिकॉर्ड कर लिए। अब इसके बाद में जो है आपका जो भी वीडियो है आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद हम चलेंगे काइन मास्टर पर और अपने वीडियो को एडिट करेंगे। नॉर्मली हम कोई भी अगर वीडियो जब शूट करते हैं उसके बाद हम तो काइन मास्टर में एडिटिंग के लिए जाते ही हैं, तो आगे का प्रोसेस चलिए मैं काइन मास्टर में शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो भाई लोग जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है काइन मास्टर ओपन कर लिया है। इसके बाद हम प्लस के आइकन में जाके यहाँ से जो है एक लेयर जो है सिलेक्ट कर लेंगे, लेयर में आ जाएंगे, लेयर मीडिया लेयर में जाएंगे और हमारा जो एजेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपने जो है अपना स्क्रीन जो रिकॉर्ड किया है उसको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ से चलिए इस फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एजेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ इस तरह से आया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रोटेशन में जाके रोटेशन को हम इस तरह कर देंगे, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है, इक्वल में क्लिक कर देना है और हमारा जो वीडियो है उसको हमको इस तरह से वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको सेट कर देना है इस तरह से, जहाँ से आप रखना चाहते हैं जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा वीडियो जो है रिकॉर्ड भी हो गया, बैकग्राउंड ब्लर भी हो गया। आपको कुछ ज़्यादा कोई सेटअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए और कैमरा में जो है आपको एक पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन होना चाहिए और आप इजीली जो है अपने वीडियो का बैकग्राउंड जो है आप ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको जहां जहां से आप कट लगाना चाहते हैं, अपने वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, आप इस तरह से स्क्रीन में सेट करके अपने वीडियो को एडिट कर लीजिए और अपना वीडियो बैकग्राउंड जो है बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से जो ब्लर कर सकते हैं। कोई भी मतलब आपको ग्रीन स्क्रीन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save you now. Oh my, oh my.